क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, कहता सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जोतो मौत तोतो पौत, जोतो मौत तोतो पौत, के लिए भी सेंस नहीं बनाता ना। नमस्कार, अमोघ लीला प्रभु जी और उनके सारे वो श्रोताएं जो तमाशा देख रहे थे। हाँ, अक्सर ताली बजाने वाले तमाशा ही देखते हैं। ये वीडियो उन सारे वक्त लोगों के लिए है जो भगवान को आखिर में बांटते नहीं हैं। हम बहुत छोटे हैं आपके हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से। हमारी जो बातें हैं शायद आपको अच्छा नहीं लगे, बात करने से पहले थोड़ा परखना चाहिए, हम क्या कह रहे हैं ये सोचना चाहिए, हम क्या सही कह रहे हैं, किसी के बारे में बोलने से पहले जो हमारा ज्ञान है वो क्या सही है ये जानना बहुत जरूरी है। शायद मेरी ये वीडियो में जो बातें हैं वो आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जो बातें हैं वो सच है और थोड़ा कड़वा है, सुन के शायद अच्छा ना लगे। ये वीडियो कोई बेलूर मौत और इस्कॉन को लेके नहीं है, फिर भी मैं जितना आपके बारे में जानता हूं, अमोघ लीला प्रभु जी, आप इस्कॉन से हैं, द्वारका से हैं, वहां की प्रेसिडेंट है शायद, मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, थोड़ा बहुत देखे यूट्यूब में, यूट्यूब से आपको हम जानते हैं। आपने ये जो सारी बातें कही है ना, उन दिनों में यूट्यूब नहीं था, और यूट्यूब नहीं था तो स्किपेबल एड भी नहीं था, वहां पे विवेकानंद और रामकृष्ण को आना भी नहीं पड़ता था ये कहने के लिए इसको स्किप मत कीजिए। बिजनेस की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज थी, वो जनसेवा। इसके लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं थी। चलिए आते हैं आखिर में बात में जो आपने कही है, शायद आपको थोड़ा लगे कि ये सही बात नहीं है, कोई देश या हेट्रेट के बारे में बात नहीं मैं करने वाला हूं, वो स्प्रेड करने की कोई इच्छा भी मुझे नहीं है, क्योंकि भगवान को मानने वाले भगवान को आखिर में बांटते नहीं है और कोई हेट्रेट स्प्रेड नहीं करते हैं। आपने कहा है जोतो मौत तोतो पौत, ये गलत है, और आपका जो कहना था जिस ढंग से वो आप कह रहे थे, मुझे पता आप बंगाली नहीं कर सकते, बोल सकते हैं, इट्स ओके, हम भी तो बंगाली है फिर भी हिंदी कोशिश कर रहे हैं, आप इसको गलत कह रहे थे। आप इसको क्यों गलत कह रहे हैं पता है? क्योंकि आपकी सोच के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, और जो बातें आपने कही हैं फिर से एक बार सुनाते हैं। जतो मत ततो पत, कोई बोले अच्छा अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे, तो यतो मत ततो पत, जिस रस्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रस्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो निकल गया एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रस्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, कहता सब रस्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जोतो मौत तोतो पौत, ये तो लॉजिकली भी सेंस नहीं बनाता ना। आप जीपीएस में डालो तो क्या सारे रास्ते जा रहे होते वहां पर? किसमें लिखा? भगवदगीता में। अब किसको मानेंगे, जोतो मौत तोतो पौत या भगवदगीता को मानेंगे? हम किसको मानेंगे, विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे? इसका मतलब जो भी हो आपके दिमाग में नहीं आया। आप अगर हिमालय की चोटी में पहुंचना चाहते हैं, आखिरकार जो भगवान के पास आपको लेके जाता है, अब उत्तर हो दक्षिण हो पूरब हो पश्चिम हो, जिस दिशा से भी आप आ रहे हो ना वहां पे आप पहुंच सकते हो, क्योंकि रास्ता जैसा भी हो, जिधर से भी हो, मार्ग जैसा भी हो, डेस्टिनेशन एक ही है। अब हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अब भगवान को मानते हो या अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो एक है, अद्वितीय है,
उसका छवि आपके मन में जो भी हो, राम हो या कृष्ण हो, लेकिन गॉड एक ही है। हम अपनी तरह से उनको मानते हैं, हम पूजते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं हर एक आइडॉल को, हर एक नाम को, लेकिन उनसे पहुंचने का रास्ता जैसा भी हो, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, रास्ता जैसा भी हो, पहुंचना तो एक ही जगह है ना। शायद आपने वो सोचने में गलती कर दी है। आपका धर्म जो भी हो, भगवान एक है, नाम जो भी हो, परमेश्वर एक ही है, आप सचमुच उसको बांट रहे थे। रामकृष्ण को समझने से पहले थोड़ा जानना भी चाहिए। यूट्यूब में एड देकर, रील्स में आके सब कुछ जान लेना ही सब कुछ नहीं होता है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण को ऊपर जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, गोपेंद्र चौधरी, वो सर क्या कर रहे हैं थोड़ा आपको भी सुनाए। रामकृष्ण परमहंसदेव जो बोला था, जो तो मत तो पद, इसका मतलब है रूट विल बी डिफरेंट बट डेस्टिनेशन विल बी सेम। हम लोग जहां से भी जा सकता, आप सब, हम लोग का आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है ईश्वर लाभ, अल्लाह लाभ, मोहम्मद लाभ, ख्रिस्ट लाभ, आप उस वहां जाने के लिए आपका रूट अलग हो सकता, आपका चिंता अलग हो सकता, बट आपका थिंकिंग सेम होगा, जो आपका उधर पहुंचने के लिए सब कुछ एक जगह पे पहुंचने का पद बता देगा। अमोक लीला प्रभु जी, आपको और एक बात बता देते हैं, ये ज्योतमो तत्पद ये श्री रामकृष्ण ने कहा था, स्वामी विवेकानंद नहीं। आपको तो ये भी बतानी है, क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है, ये कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस, हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम, लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। आप कह रहे थे सिगरेट पीना गलत है, जो सिगरेट पी सकते हैं, जो मछली खाते हैं, वो महापुरुष, योगी पुरुष कैसे होते हैं ना? यही तो आपने पूछा था ना, यही तो आपका प्रश्न था जिसके ऊपर बहुत ताली मिली थी आपको। हम क्या खाए, हम क्या पिए, इसे क्या जाता है प्रभु जी, क्या जाता है? आखिरकार हम पूछते किसको है, दिल से क्या पूछते हैं उसको, हमारे मन में क्या है? आप तो प्रकृति के नियम के खिलाफ बोल रहे थे, तो सबको छोड़ देना चाहिए, मांस मछली खाना, मांस खाना, ये क्या सही बात है? कहां पे लिखा हुआ है, कौन सी धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? कोई ना कोई जीव तक करके, आप ये मानते जगदीश चंद्र बोसु ने प्रमाण करके रखा, और पेड़ साग सब्जी में भी प्राण है, मतलब जब शाकाहारी होता है हम लोग मांस मछली मटन खाते, वो भी जैसे जीव हत्या करके खाते, हम लोग जो गर्व करते हम लोग शाकाहारी है, हम आध्यात्मिक जीवन यापन करते शाकाहारी होके। शाकाहारी मतलब क्या, कोई गाच को तोड़ के, गाच को छीन के उसको सब्जी बना के हम लोग खाना बनाते, मतलब वो भी एक प्राण को हम लोग नाश करके खाना खाते, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, एक तो खाने के लिए आता, सब एक ही साग के लिए जैसे होता साग सब्जी के लिए, अब मछली के लिए वही चिंता होना चाहिए, जो सामने मिलता, जो ईश्वर खाने का चीज बना के भेजता, उसमें कोई अंतर नहीं है, जो मछली में है, जो साग शाकाहारी में है, जो साग सब्जी में है, जो पेड़ के अंदर में होता, जो फ्रूट्स के अंदर में होता, सेम आपको ये होना चाहिए, समझना चाहिए, जो खाने का बारे में एक ही जिसका अंदर से आपको रियलिटी और अनुभूति होना चाहिए। और सिगरेट उसकी बात तो छोड़िए, शायद आप लोग मार्केटिंग करते करते यही भूल गए
कि शिव जी जो कोई महापुरुष तो नहीं थे, वो तो देवादि देव देव हैं, हमारे महादेव, वो क्या पीते थे ऐसे लिखे? गलत है, वो गलत था, आप ही कहिए वो गलत था। वो अपना तरफ से गांजा पीते थे, चरस पीते थे, उसका सेवा करने के लिए जो नंदी भिंगी था वो लोग भी क्या गलत कुछ काम कर रहा था? एक चीज बताना पड़ेगा आपको, श्री रामो कृष्ण देव केंद्रिक जो भावधारा है इसमें तामो उस टाइम का एक ऐसा एनर्जेटिक चीज था जो शिव का तरफ से आया था हम लोग के पास। आध्यात्मिक वो साधु संत आदमी पहाड़ पर्वत में गुहा में रहता था, वो लोग को दूसरा कुछ खाने का पीने का शौक नहीं था, वो नशा का चीज मिलने से भी कुछ नहीं है, ये नहीं है वो मिलने से वो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, नहीं मिलने से वो बहुत लॉस कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका यही ये था, चिंता था जी, ईश्वर का कृपा का प्रसाद का स्वरूप गांजा पीते थे, वो चरस पीते थे, क्यों वो तमाक पीते थे, वो जानते थे जो अपना तरफ से जो बैराग का लक्ष्य है वो एक्चुअली ईश्वर का मार्ग के लिए, आपको इसमें कोई गलती नहीं है जो नशा का चीज आपको नशा ना पकड़ ले सका, आप नशा को पकड़ लीजिए ठीक है, नशा आपको पकड़ नहीं लेना चाहिए। मैं एक ही बात जानता हूं, आपका पीना, आपका रहन सहन जैसा भी हो ना, आपका मन अगर शुद्ध है, आपका मन अगर भगवान की ओर है, अब भगवान की तरफ देख कर ही आप सब कुछ करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं जाता है, आप कुछ भी ना पी के भी बहुत गलत काम कर सकते हैं। क्या बच्चों जैसी बात आप लोग कर रहे हैं मुझे पता नहीं। ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवद्गीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती, तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना, पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। इतिहास को जानिए, इतिहास को समझे तो रहा। फुटबॉल खेलना कब अच्छा था? उन दिनों में जब अपना देश किसी परायों ने लूट लिया था, हम पराधीन थे। जब अपना देश पराधीन होता है ना, अपना मां जो जब किसी की शिकंज में होता है, तब आप गीता पाठ नहीं कर सकते, आप शास्त्र नहीं सुन सकते, वो सुनने के लिए अलग समय होता है। तब हमारे पास क्या समय था? वो यंग जनरेशन को उठाना, जगाना कि अब तो फुटबॉल खेलो, अपना बॉडी बनाओ। गीता पाठ करने के लिए अपने मन और अपने शरीर को बहुत ताकतवर होना पड़ता है। तब तो था, तुम्हारा देश जब दुख में डूबा हुआ है, ग्लानि में डूबा हुआ है, तब तुम गीता पाठ करोगे क्या? तब तो देश के लिए उठोगे, जागोगे, लड़ोगे अंग्रेजों के खिलाफ। तब समय ऐसा था, विवेकानंद ने जो कहा था एक समय के ऊपर बेस करके कहा था, आपको फिजिकल एक्सरसाइज बिना आपको ताकत नहीं बढ़ेगा। विवेकानंद इसी के लिए बोला था, ये नहीं है गीता को अपमान करना, गीता को अपमान करने का उसका ये नहीं, गीता उसका पूरा लाइफ का एक अर्जुन का मापी की उसका लाइफ हिस्ट्री था, इसीलिए गीता को अपमान करने की कोई नहीं। फॉरेन में एक बार हुआ था, पश्चिम में वेस्ट में देखा गया था, एक आदमी क्रिश्चियन आदमी स्वामी विवेकानंद को अपमान करने के लिए गीता को सबसे नीचे रख के उसका ऊपर में वो लोग का धर्म ग्रंथ, दूसरा धर्म ग्रंथ सब चढ़ा के रखा था। विवेकानंद सभा में आह्वान होने के बाद जाके देखा, गीता को नीचे रखा। एक आदमी उसको बोला, ये देखिए आपको कितना अपमान करने के लिए इधर बोला गया, देखिए आपका धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा। विवेकानंद को पहले गुस्सा आया था, वो सुना, उसके बाद उसका अंदर में कुछ सोचा, रिप्लाई देने का टाइम वो अपना तरफ से ऐसा बात बताया जे आप अच्छा ही किया, गीता इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली किताब है, इतना धर्म अच्छा धर्म ग्रंथ है, महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ नहीं, स्ट्रॉन्ग धर्म ग्रंथ है जो सबको कैरी करने का उसका पावर है। तो जे आदमी गीता के लिए ये बात बोल सकता, गीता के बदले जिसका इतना धारणा है, आप कैसे बोल रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद गीता को अपमान कर रहा है, गीता को ठीक से प्यार से उसको नहीं ग्रहण कर रहे? आपने भारत की वो इतिहास भूल गए जब स्वामी विवेकानंद ने पूरी भारत को जगा दिया था, वो यूथ को जगा दिया था। फिर से आप चूक गए। आखिर में एक ही बात मैं कह सकता हूं, आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर इस्कॉन, आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर रामकृष्ण मॉडर्न मिशन, आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर गॉड, फॉर रामकृष्ण विवेकानंद,
ये कोई सामान्य इंसान नहीं थे। इनको जानने के लिए और भी बहुत डीप जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से आपने कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और बहुत सारे ताली भी आपको मिल गई। आप YouTube से बहुत फेमस हो गए। Those who are devotees of other gods, यानी देवी देवताओं के भक्त हैं, and who worship them with faith, यानी जो उनकी पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, बोलेंगे अरे वाह हो गया ना, यत्तम वा ततो पत, हो गया ना। लेकिन आखिरी लाइन क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं? आखिरी लाइन भगवान बताते हैं, यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन वो मेरी गलत तरह से पूजा कर रहे हैं। ये विधि पूर्वक नहीं है, यजंती अविधि पूर्वकम। किसमें लिखा? भगवदगीता में। अब किसको मानेंगे, ज्योतोमोत तोतोपोत या भगवदगीता को मानेंगे? हम किसको मानेंगे, विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे? भगवान कृष्ण को मानेंगे। मेरी ये वीडियो इस्कॉन को मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। शायद आपको लगता है कि मैं ऐसी बात जो कह रहा हूं अमोघ लीला प्रभु जी के विरुद्ध कह रहा हूं। किसी के विरुद्ध ये मेरी बात नहीं है, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान को मत बांटो, भगवान को मत बांटो। जो भगवान हमारे अंदर है इसको इतने नामों से मत बांटो, ऐसे सारी चीजों से मत बांटो। स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए उनको पढ़ो, वो क्या कहना चाहते वो जानो। अब क्या कह रहे हैं उनके बारे में? जीसस ने जो कहा था ना, ओ गॉड ओ ऑलमाइटी, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। दो तीन दिन या दो तीन सालों में थोड़ा यूट्यूब में फेमस हो जाने से कुछ नहीं होता है। गिरुआ पहनने से साधु नहीं बन सकते हम। अब कह रहे थे ना, ये सब करने से कोई महापुरुष नहीं बन सकता, योगी पुरुष नहीं बन सकता। कहां पे लिखा हुआ था शास्त्र में कि आप यूट्यूब में आओ और पैसे देके अपना एडवर्टाइजमेंट करो आपकी बात सुनने के लिए? स्वामी विवेकानंद ने ऐसा किया था, रामकृष्ण ने किया था। कहां से पता चला? आप क्या जानते हैं आप रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के बारे में? कितना आपकी जानकारी है उनके बारे में? जो श्लोक जानते हैं तो अब महापुरुष बन गए, अब महापुरुष के बारे में बोलने लगे। ये शेम है हमारी इंडिया के लिए, इस्कॉन के लिए भी शेम है कि ऐसे इंसान को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, मैं भी मानता हूं। मेरे लिए जो राम है वो कृष्ण है, विष्णु है, सब एक है। हम सबको पूछते हैं क्योंकि हम इंसान को पूछते हैं। बुरा मत मानना, सिर्फ मैं यही चाहता हूं। ये भारत बहुत पुरानी इतिहास लेके चल रहा है। हमारे मन में हिंदू धर्म में जो भी है डिविजन है, बहुत सारे पार्ट में हम टूटे हुए हैं। फिर से मत हमको तोड़िए। ये बेलूड मौत और इस्कॉन की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, प्लीज डोंट डू दिस। हमारे लिए सब भगवान है, शायद आप लोग को भी हम मानते ही हैं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट डू दिस। इंसल्ट मत करो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को, आप उसके योग्य नहीं हो। सॉरी, रियली वेरी सॉरी।